हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग? एज यू नो, लाइक सपोज यू आर फर्स्ट ईयर और इन सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में एक सिविल इंजीनियर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस ये देखना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, मीन्स मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा जाए, नॉलेज के लिए पढ़ा जाए, और नॉलेज के लिए क्यों पढ़ा जाए उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, तो जैसे कि मैं अगर बात करूं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो दोस्तों, तो फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए क्या आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि उसमें आप बिल्डिंग जो अपना स्ट्रक्चर होता है उसके बिहेवियर को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बिहेवियर को अगर नहीं पढ़ोगे, बीम आपकी डिटर्मिनेंट है इनडिटर्मिनेंट है, आपका जो बीम है उस पर जो लोड आ रहा है उसके सपोर्ट्स के जो रिएक्शन है, अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप आगे जो हमारे आगे वाले सब्जेक्ट होंगे आपके, जैसे कि सोम है और आरसीसी, वो सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। इसलिए प्लीज़ आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें एक्चुअली क्या होता है, देखिए, सिविल इंजीनियर होता है, वो समझता है क्या है, वो समझता है बिल्डिंग के बिहेवियर को। तो बिल्डिंग का बिहेवियर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? बिल्डिंग का बिहेवियर स्टार्ट होता है मैकेनिक्स से। अगर किसी बीम और किसी कॉलम के मैकेनिक्स को हम समझ गए, उसके पीछे का थॉट समझ गए, देन दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ही अपना फोकस करके अपने स्ट्रक्चर के बिहेवियर को समझना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने स्ट्रक्चर के बिहेवियर को समझना स्टार्ट कर दिया वहाँ से, तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा लाइक आगे जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा। इसके बाद आपको मैं बताऊँगा, आप मैथ पढ़ रहे होगे, मैथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा आपका, मतलब टॉपिक जो होगा वो है मैट्रिक्स। अगर आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना नहीं आता है, कल आप जब बीटेक में जाओगे या जब बीटेक के बाद एमटेक में जाओगे, तो वहाँ पे आपको डायनेमिक एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, जो आपको बाद में समझ आएगा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक एनालिसिस को करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है वो मैट्रिक्स यूज होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो अगर मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ में मैट्रिक्स जरूर पढ़िए, और मैकेनिक्स से पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स तो पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है हमको। इसके बाद बात करें जो हमारे नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में जाने के बाद, दैट इज योर सोम। व्हाट इज सोम? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने कोई भी मटेरियल लिया, उसका क्या स्ट्रेंथ है आपको यही नहीं पता चलेगा, तो आपको उसको यूज कैसे करोगे? आप हाई रेज बिल्डिंग डिजाइन करने जा रहे हो, उसमें आप कोई मटेरियल यूज करने जा रहे हो, ठीक है, और एक बीम बनाया आपने 8 मीटर की या 6 मीटर की, उसकी शियर फोर्स कितना आ रहा है? शियर फोर्स क्यों चेक करते हैं पता है ना? मैंने बहुत से वीडियो में बताया भी है, शियर फोर्स इसलिए चेक करते हैं जिससे शियर फेल्योर ना हो। शियर फेल्योर क्या होता है दोस्तों? अचानक से क्रैक हो जाना, दैट इज योर शियर फोर्स। सो प्लीज़ आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। उसके लिए बहुत सी बुक है, रामारुथम की बुक बहुत अच्छी है, तो मैं कोई किसी भी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बट जो हमने पढ़ी है वो रामारुथम को पढ़ी है। मैकेनिक्स के लिए आप भावाकट्टी पब्लिकेशन यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें जो थॉट जो डीप में जाके बताया गया है उससे अच्छा किसी बुक में नहीं मिला है मुझे देखने को। सोम के लिए मैंने देखा है आर के बंसल की भी बुक काफ़ी अच्छी है, तो आप अगर आर के बंसल भी यूज़ करें, प्लीज़ आप टेकमैक्स या अदर पब्लिकेशन जो हैं उनको, अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में करियर बनाना है तो प्लीज़ मत फॉलो करिए, ठीक है। मैं किसी भी पब्लिशर का नाम नहीं ले सकता, बट इनको फॉलो करना है सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। अगर डीप में आपको पढ़ना है तो प्लीज़ किसी एक अच्छे राइटर की बुक को पढ़िएगा, जिससे आप डीप नॉलेज ले सके। इसके बाद हम लोग जाते हैं थर्ड ईयर में जब जाते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट आता है आरसीसी। आरसीसी क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि समझते हैं आप सबसे ज़्यादा इसमें क्या चल रहा है, आरसीसी चल रहा है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा आरसीसी के बारे में। तो रेनफोर्समेंट कंक्रीट क्या है? आजकल सबसे ज़्यादा जो बिल्डिंग बन रही है, अभी स्टील की बिल्डिंगें कम हो गई हैं, क्यों? क्योंकि आरसीसी जो है वो सस्ता है, सुंदर है और टिकाऊ है। सो डेफिनेटली एवरीवन वांट आरसीसी बिल्डिंग, और सभी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील की बिल्डिंग बनाएंगे बहुत ही कॉस्टली जाता है। प्रीकास्ट भी अभी आया है और प्रीकास्ट भी अच्छा चल रहा है, बट वो भी कॉस्टली है। सो अभी भी 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक आरसीसी का आपका बहुत ज़्यादा क्रेज रहेगा। सो प्लीज आरसीसी को अच्छे से पढ़िएगा। आरसीसी के बाद आपका एक सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंक्रीट स्ट्रक्चर। वो भी आपके थर्ड ईयर में होगा, कुछ लोगों के सिलेबस में सेकेंड ईयर में भी है, लेकिन जहाँ तक है मैक्सिमम लोगों के सिलेबस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग सिलेबस होते हैं, तो मैक्सिमम में क्या है थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट होगा आपको।
इस सब्जेक्ट को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ नहीं समझ पाएंगे कि कंक्रीट, अब मैं कंक्रीट की प्रॉपर्टी आपको लाइक मैंने बताया हुआ है पहले भी, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे चेक करेंगे, ड्यूरेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, इम्पेरेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीज़ों को अगर आप नहीं समझ पाओगे तो कैसे आप आगे के बारे में डिस्कस करोगे। जैसे कि मैं बात करूँ प्री कास्ट के बारे में, अगर नहीं पता आपको एरेटेड कंक्रीट के बारे में नहीं पता, एरेटेड कंक्रीट क्या होता है, स्पंज कंक्रीट होता है, वैक्यूम कंक्रीट के बारे में नहीं पता है आपको, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आगे आपको करियर में प्रॉब्लम आने वाली है। सो प्लीज़ आप कंक्रीट स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि कंक्रीट स्ट्रक्चर आगे आपके फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनने वाला है। इसके बाद एक और लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज योर DSS, कुछ लोग उसको बोलते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है DSS, लाइक आपको अच्छे से स्टील स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना चाहिए। स्टील स्ट्रक्चर एक्चुअली अगर आप किसी भी बड़े स्ट्रक्चर से आप एयरपोर्ट पर जाते हो, लाइक अगर आप रेलवे के लाइक किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हो, मैक्सिमम देखोगे आप सबसे ज़्यादा आपका स्टील स्ट्रक्चर यूज़ हुआ होगा। क्यों? क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। इसलिए प्लीज़ आप स्टील स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़िएगा। स्टील स्ट्रक्चर में क्या पढ़ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट रोल क्या होता है, कोल्ड रोल क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करिएगा, टाइप थोड़े से अच्छे से पढ़िएगा। और इसके बाद स्टील स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ सकते हैं, PEB स्ट्रक्चर क्या होता है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स। अगर आपने देखा होगा लाइक अगर आप अभी देखते होंगे रेलवे वगैरह के जो भी स्ट्रक्चर बनते होंगे PEB स्ट्रक्चर होते हैं, क्या पहले से बना के लेके आओ और प्लेस कर दिया। इनके बारे में अगर डीप में स्टडी होगा ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। फिलेट वेल्ड क्या होता है, ठीक है, फिलेट वेल्ड मतलब वेल्डिंग को पूर्व अच्छे तरीके से पढ़ो। उसके बाद रिपीट ज्वाइंट क्या होता है, ठीक है, कनेक्शंस के बारे में अच्छे से थोड़ा डीप में पढ़ो। तो प्लीज़ आप स्टील स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, स्टील स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम बच्चों को समझ में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ योर IS कोर्स। सो प्लीज़ IS कोर्स को भी अच्छे से पढ़िएगा। IS कोर्स से हम एक्चुअली जो सिविल इंजीनियर होता है वो जो भी काम करता है वो IS कोड के बेस पे ही करता है। सो प्लीज़ IS कोड को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड है स्लैब की थिकनेस कितनी देनी है, अगर 100 mm देनी है कि 100 देनी है कि 125 to 150 देनी है, ये आप वहीं से समझ सकते हो। कंस्ट्रक्शन के लिए वाटर जो यूज़ करना है उसका pH स्केल कितना होना चाहिए, 6 to 8 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, आपको 6 to 8 होना चाहिए। लेकिन ये कैसे आप पता करोगे, ये पता करोगे आप स्टील लाइक IS कोड से। तो IS कोड अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता है कि पुणे की बेसिक विंड स्पीड क्या है, दिल्ली की बेसिक विंड स्पीड क्या है, अहमदाबाद की बेसिक विंड स्पीड क्या है, तो इसके लिए आपको IS 875 अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो प्लीज़ IS कोड को अच्छे से स्टडी करिए, और IS कोड के साथ ये चार सब्जेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में करियर बनाना चाहते हैं। तो कौन कौन से, मैकेनिक्स, RCC, सोम और स्टील स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं कि अगर आप चाहते हो कि स्टील स्ट्रक्चर की बुक के बारे में आपको बताया जाए कि कौन सी बुक इसके लिए प्रीफर किया जाए, तो इसके लिए DSS के लिए सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगी है, तो अगर मैं बोलूं तो इसके दुग्गा सर की, मैं दुग्गा सर के स्टूडेंट भी रहा हूं, और दुग्गा सर की जो बुक है उससे अच्छी कोई भी बुक मुझे स्टील स्ट्रक्चर के लिए नहीं मिली दोस्तों। सो उसके लिए आप दुग्गा सर की बुक यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं जैसे आपके सोम के लिए मैंने बोला हर की बंसल भी अच्छी है, बट उससे भी कहीं अच्छी है आपका रामारुतम से अच्छी कोई बुक नहीं है, चाहे वो स्ट्रक्चर की लाइक स्ट्रक्चर SA1 SA2 की बात हो या आपका लाइक सोम की बात हो, वो बहुत ही अच्छी बुक है। थोड़ी सी मोटी है, देख के घबराइए मत, अगर उसको आप डीप में जाके पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें चीज़ों को समझाया गया है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियर इन योर लाइक एजुकेशन, लाइक आपने जो भी एजुकेशन लिया है BTech और डिप्लोमा या बी, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये सब्जेक्ट मिल गया। सो प्लीज़ इनको अच्छे से स्टडी करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको चाहते हो कि और भी ज़्यादा आपको एकेडमिक के बारे में बताया जाए कि एकेडमिक में और क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए कि सर इसके बारे में मुझे डाउट है, डेफिनेटली हम उस पर एक आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे और आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।